स्टूडेंट जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं सबसक्राइब जरूर कर दियो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर दियो, क्योंकि इसे तरह मैथ दे कंसेप्ट्स नूं ते समझ नूं आपां किस तरह इजी वे नाल कर सकते हां, समझ सकते हां, इस तरह दे कंसेप्ट्स दे रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा तुहाडे लई लैके आउंदा रहिंदा हां। धन्नवाद। डियर स्टूडेंट्स, अपना अज दा टॉपिक क्लास 8 विशा मैथ चैप्टर 2 विचों है जी, ते अज आपां करन जा रहे हां इस दी एक्सरसाइज 2.2 दा क्वेश्चन नंबर 5 अते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 दी स्टेटमेंट इस तरह है, दो संख्यावां विच अनुपात 5:3 है, जेकर उना विच अंतर 18 है तां संख्यावां पता करो। अते क्वेश्चन नंबर 6 दी स्टेटमेंट इस तरह है, 3 लगातार संपूर्ण संख्यावां दा जोड़फल 51 है ते संपूर्ण संख्यावां पता करो। आओ देखदे हां कि ये दोनों क्वेश्चन आपां किस तरह सौखे ढंग नाल हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 दा हल देखदे हां। क्वेश्चन अपने को है दो संख्यावां दा जो अपने को अनुपात दिता है वो 5:3 है, संख्यावां दा अनुपात वो अपने को है 5:3। ते आपां मान लेने हां जे संख्यावां दा अनुपात आपां नूं पता है, ते मान लो अपने को संख्यावां की आ जाणगीआं, मान लो संख्यावां बराबर 5x 3x। हुण दोनों ही संख्यावां दा जो अंतर है, अंतर दिता होया है 18, ते प्रश्न अनुसार इन्हां संख्यावां जो 5x 3x दो संख्यावां हन अपने को, इन्हां दा जो अंतर है 5x-3x, इन्हां दा जो अंतर है 18 दे इक्वल है। 5x दे विचों जे आपां 3x नूं घटा दईए ते अपने को 2x आ जाएगा। हुण x दा गुणाक 2 है, दोने पासे आपां 2 दे नाल भाग कर दिंदे हां, इत्थे अपने को x किन्ना आ जाएगा, 2 दे पाड़े विच 18 दी कटिंग करांगे ते अपने को 9 आ जाएगा। इसदा मतलब जो अपने को संख्यावां हन ओह की आ जाणगीआं, पहली संख्या हुण आपां लिखांगे संख्यावां, इस लई जो संख्यावां हन वो अपने को केड़ियां केड़ियां हन, एक संख्या अपने को है 5x ते दूसरी संख्या सी अपने को 3x, मतलब 5×9 ये अपने को 5x आ जाएगी, 9×5=45, ते दूसरी संख्या सी अपने को 3x, 3×9 ये अपने को 27 आ जाएगी। इसलिए जो संख्यावां हन वो अपने को की आ गईआं हन 45 अते 27। आओ हुण आपां अगला क्वेश्चन देखदे हां। क्वेश्चन नंबर 6 देखदे हां, 6वां क्वेश्चन, कि 3 लगातार जो संख्यावां हन उहनां दा अपने को जोड़ के दित्ता होया है 51। आपां मान लैंदे हां, मान लो 3 लगातार जो संख्यावां हन संपूर्ण संख्यावां वो अपने को केड़ियां हन, इत्थे संपूर्ण वर्ड भी देख लो, 3 लगातार संपूर्ण संख्यावां मान लेने हैं, पहली x, दूसरी x+1 ते तीसरी x+2। हुण इन्हां तिन्हां संख्यावां दा जो जोड़ है वो आपां नूं दित्ता होया है 51। प्रश्न अनुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इन्हां नूं जोड़ के अपने को आंसर किन्ना आ रहा है 51। हुण ब्रैकेट नूं ओपन कर दांगे आपां, x+1 x+2 बराबर 51। हुण x+x+x ये आ गया अपने को 3x ते 1+2 ये अपने को 3 बराबर 51। हुण जो x वाली रकम है जो चल है उसनूं आपां खब्बे पासे ते जो कली संख्या है उसनूं आपां सज्जे पासे लै जाणा है, 51-3 3x=48 ये 3x=48 है, तो दोनों पासे आपां जो x दा गुणाक है उसके नाल भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 48 3 दे पाड़े विच 48 कटांगे तो अपने को 16 आ जाएगा। इसका मतलब जो x अपने को है कितना आ गया है x=16। हुण पहली संख्या 16 आ गई है उसके एक ऐड कर देंगे वो दूसरी संख्या आ जाएगी, उसके दो ऐड कर देंगे वो अपने को तीसरी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब जो संख्यावां हन लगातार 3 संपूर्ण संख्यावां केड़ियां आ गईआं हन, संख्यावां हन 16
उस तो अगे 17 ते फिर 18। होप के स्टूडेंट तुहानूं ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गया होगा। मैं काफ़ी ईजी वे नाल करवाउण दी कोशिश की है। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी तो इसनूं लाइक ते शेयर जरूर करना। धन्यवाद।